भामाशाह योजना पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित टोंक और नागौर की नोडल ऑफिसर्स ने लिया भाग। इस योजना के बारे में बारीकी से जानकारी। भामाशाह स्वास्थ्य योजना पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्टेट नोडल ऑफिसर्स द्वारा अलग अलग जिले के नोडल ऑफिसर्स को ये योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य है कि इस योजना के बारे में लोगों को अच्छे से लाभ मिल सके। काफी समय से प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पतालों में इस योजना को लेकर कई दिक्कतें भी सामने आई है। आज की बेसिकली मीटिंग नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है जो हमारी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो लोग ठीक तरह से काम करें। स्कीम में जो कुछ गलतियां वो करते रहे हैं, प्रोसीजर्स जो ठीक तरह से अगर कोई नहीं समझ पाया है तो उनको समझाने के लिए है कि क्लेम प्रोसेसिंग आसानी से हो, और क्योंकि क्लेम प्रोसेसिंग अगर आसानी से होगी, टाइमली पेमेंट हॉस्पिटल्स को मिलता रहेगा सही क्लेम्स के लिए, तो आगे पेशेंट्स को सर्विसेज भी वो ठीक से प्रोवाइड करेंगे। इसलिए ये ट्रेनिंग रखी गई है। और स्टेट लेवल पर हम जब इश्यूज़ देखते हैं तो जो इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं उनमें से इश्यूज़ निकाल के जो मेन फोकस पॉइंट्स हैं उनको हम ट्रेनिंग में एड्रेस करते हैं। कहाँ कहाँ से है ये ट्रेनिंग? ये अभी हमने यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग रखी थी, जिसमें अजमेर जोन के 4 ज़िले थे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। कल अजमेर और भीलवाड़ा के प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आए थे, उनके स्वास्थ्य मार्गदर्शक और नोडल ऑफिसर, और आज नागौर और टोंक के स्वास्थ्य मार्गदर्शक और नोडल ऑफिसर्स आए हैं। मेरा नाम प्रियंका कपूर है, मैं स्टेट नोडल ऑफिसर हूँ स्कीम के लिए।